बूंदी जिले के गरडदा गांव में मौजूद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्कूल परिसर की पुताई का कार्य पूरा करवाया। इस स्कूल में पिछले 4 साल से रंग रोगन का काम नहीं हुआ था, जिसके चलते प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा ने स्वयं ही स्कूल बिल्डिंग की पुताई की। कि 28 मार्च से मेरी ड्यूटी लगी, 24 घंटे के लिए मुख्यालय में रहने का निर्देश प्राप्त हुआ, तो मैं आज 2 महीने के ऊपर हो गए मुझे, तो मैंने सोचा कि समय का सदुपयोग किया जाए। तो यहाँ पर तो केवल मेरा काम इतना ही कि किसी की डेथ हो जाए तो उनको समझाना, शाम को दुकानें वगैरह देखना, कोई व्यक्ति फालतू तो धारा 144 लग रही है तो इसका दुरुपयोग नहीं हो उसके लिए, और यहाँ से मैसेज भेजना था उसके लिए ड्यूटी लगी। तो मैं सुबह शाम जो है पेंटिंग करता हूँ विद्यालय में, ताकि आने वाले जो जुलाई में जब विद्यार्थी आएंगे तो उनको एक नया लुक नजर आए। वो मैंने स्वयं अपने हाथों से, मैंने अपने हाथ से पुताई की है और प्राचीन शैली के मैं चित्र बना रहा हूँ, ताकि जब भी विद्यालय में बच्चे आएंगे तो उनको लगे कि नया यहाँ पर किसी ने कोई काम किया है, और वो मेरे अपने हाथ से करता हूँ, मेरी रुचि रही है। लॉकडाउन लगा हुआ था और दो यहाँ पे सर 2 माह से अच्छे मतलब पुताई वगैरह कर रहे थे, पेड़ पौधे लगाए, अच्छी पेंटिंगें वगैरह बनाई, बहुत अच्छा लगा। और सब बच्चे आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे ये देख के कि स्कूल कितना अच्छा हो गया, सबको अच्छा लगेगा। ये हमारे यहाँ गरडदा के स्कूल में प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा जी ने स्कूल की पुताई की, रोज डेली पुताई करते हैं और गाँव वाले भी खुश है कि इन्होंने स्कूल की पुताई की। 4 साल से इस बिल्डिंग की पुताई नहीं हो रही थी, तो इन्होंने लॉकडाउन के 2 महीने के अंतर्गत पुताई की और रोज़ प्रतिदिन करते हैं और 2-4 दिन में पुताई भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या है, शिक्षक और छात्र छात्राएं भी खुश हैं कि प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की पुताई की। जब मैं पूर्व में पढ़ा था तो स्कूल विद्यालय का जो सौंदर्यकरण था वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण था, काफ़ी जगह से बरसात में टिपकता था, दरारें पड़ी हुई थी, लेकिन जब से प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने लॉकडाउन में जो मार्च से लॉकडाउन हुआ 19-20 मार्च, तब से कि पुताई के साथ उन्होंने स्कूल में क्यारियाँ बनाई पौधों के लिए, उसका भी बहुत अच्छा काम किया और स्कूल का सौंदर्य बढ़ाया, तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है, मुझे भी इससे प्रेरणा मिली कि सर ने सर का कार्य जो सराहनीय है। मन में कुछ करने की अगर इच्छा जागृत हो और उसको करना है, मन में ठान ली जाए, उसका उदाहरण यहाँ पर ही सामने आया है। जी हाँ, बूंदी जिले के गरडदा की अगर बात करें तो यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है 4 साल से यहाँ पर पुताई नहीं हुई थी। प्रधान लॉकडाउन में जब उनकी ड्यूटी लगी तो उन्होंने विद्यालय को सवारने जो है ये कह सकते हैं कि शपथ ले ली हो, और वह इस प्रकार प्रतिदिन पुताई में जुट चुके हैं। इन्हें ये कहा जा सकता है कि स्कूल ही नहीं अपितु बूंदी जिले के पूरे शिक्षा विभाग के लिए एक प्रेरणा देते हैं। इस 4 साल से जिस विद्यालय की पुताई नहीं हुई थी, इस लॉकडाउन में जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने इस पुताई की शुरुआत की और लगातार 2 महीने से यह इस प्रकार सुंदर पुताई करते हुए जा रहे हैं। कुछ समय में यह पुताई पूर्ण हो जाएगी और शिक्षा का सूत्र जो जुलाई में शुरू होने वाला है उससे पहले इन बच्चों के लिए यह एक सुंदर विद्यालय नजर आएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए बूंदी से भवानी सिंह।